नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। और उत्तर प्रदेश कानपुर से एक वर्दी को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां एक दिव्यांग महिला अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने थाने पहुंची, लेकिन उसकी बेटी की ढूंढने के एवज में पुलिस ने उससे मांगे सरकारी गाड़ी के पेट्रोल के पैसे। पैसे देने के बावजूद उसकी बेटी को ढूंढने में नाकामयाब रही कानपुर पुलिस, लेकिन उस वृद्ध दिव्यांग महिला ने पैसे जोड़े, वो भी भीख मांगकर। लेकिन पुलिस को नहीं आई शर्म उनसे पैसे लेते हुए, लेकिन नहीं किया उनका काम। उस दिव्यांग मां ने रो रो के सुनाई अपनी आप बीते। नजर डालते कानपुर के वर्दी को शर्मसार कर देने वाली इस खबर पर। सवान गैन बाबू थाने गैन और जोगी के पास गैन खलाऊ पर लेडीज का दही के हाथ में हुआ पैर के उठा नहीं सुना दिल में। पुलिस की शर्मनाक करतूत बेटी ढूंढने के नाम पर दिव्यांग मां से भरवाते रहे सरकारी गाड़ी में डीजल। आपको बता दें, ये मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर चकेरी थाना इलाके की पुलिस की एक शर्मनाक करतूत सामने आई है। कानपुर पुलिस ने विधवा और गरीब दिव्यांग महिला से उसकी लापता बेटी को ढूंढने के लिए गाड़ी में डीजल पेट्रोल भरवाने के नाम पर पैसे वसूल किए। इसके बाद भी इस महिला की बेटी नहीं मिली। संबंधित पुलिस कर्मियों के खिलाफ जांच बैठा दी गई है। कानपुर के थाना चकेरी के अंतर्गत सनी गवा निवासी विकलांग विधवा वृद्धा गुड़िया की नाबालिग बेटी एक महीने से लापता है। चकेरी थाने में गुमशुदगी भी दर्ज कराई गई थी। महिला ने अपनी ही दूर के एक रिश्तेदार पर बेटी को गायब करने का आरोप लगाया, लेकिन पुलिस ने उसकी एक भी नहीं सुनी। चौकी जाने पर उसको डांट कर भगा देते थे। विकलांग महिला गुड़िया ने बताया कि पुलिस ने वह लगातार बेटी को खोजने की गुहार लगा रही थी, मगर पुलिस ने बेटी को खोजने के नाम पर उससे गाड़ी में डीजल डलवाने की बात कही और उससे पैसे भी जैसे तैसे करके दे दिए। लगभग 10 से 12 हजार रुपए का डीजल पुलिस की गाड़ी में डलवा चुकी है। महिला ने यह भी बताया कि दो बार पुलिस वाले गाड़ी से बेटी को लेने के लिए गए पर बेटी को लेकर नहीं आए। उसने बताया कि अब उसके पास पैसे नहीं है, अब वह डीजल कहां से डलवा दे। महिला ने यह भी कहा कि वो लखनऊ में मुख्यमंत्री के ऑफिस तक शिकायत करने के लिए गई थी, लेकिन वहां से भी कुछ नहीं हुआ। पूरे मामले को डीआईजी कानपुर डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह ने बताया कि थाना चकेरी पर अभियोग पंजीकृत है। लड़की की बरामदगी के लिए सीओ कैंट के निर्देशन में 4 टीमें बनाई गई हैं। चौकी इंचार्ज सनी गवा उप निरीक्षक राज्यपाल सिंह को लाइन हाजिर कर विभागीय जांच के लिए आदेशित किया गया। हंगामा टाइम्स। अब लड़का शादी शुदादार है, 7 तारीख के निकली है, 7 तारीख आ जाएगी, 1 महीना हो जाएगा बाबू। सवान गैन बाबू थाने गैन और जोगी के पास गैन न खलाऊ पर लेडीज का दही के हाथ में हुआ पैर के उठा नहीं सुना दिल में। करा भी पकड़ रहे, भी पकड़ रहे। हमने बोला इसके माँ बाप आएंगे, इसको पकड़ लो, इसको हड़काओ डांटो तो वो लड़का आ जाएगा। हमने लड़के से बोला तेरी माँ जेल में बंद है, कह रही नहीं मेरी माँ नहीं बंद है, वो सब एक में है बाबू। थाने में क्या कहा? थाने में कहा क्या लेनी है, क्या लेनी है, तुरी से भगा देती। कोई नहीं जाता बाबा, उन्होंने सुन के क्या लेने है, तेरी लड़की हरामीन होगी तेरी। बाबू 3 लड़की है मेरी, लड़की हरामीन होती तो आज यहाँ से खाली जी के मंदिर से अकेले चली जाए। बाबू पुलिस वाले कहते डीजल डराओ और तेल डराओ तो तुम्हारी लड़की को ढूंढ करेंगे, अब नहीं कहेंगे चल यहाँ से कमीनी कहीं की, ऐसे गाली देते। पुलिस को नहीं दिया, झूठी नहीं बोलेंगे, पुलिस को नहीं दिया, सिर्फ डीजल तेल हमने भरवाया है बाबू। कितने कई बार? अब 3-4 दाएँ गाड़ी अकबरपुर अभोगनी सामान दौड़ा सरगमा चौकी में 2 दरोगा हैं, 1 दरोगा हमारी मदद कर रहा है बाबू, जो अब केस लिए वो मदद कर रहा है, जो पहले केस लिए था वो उसके माँ बाप को छोड़ दिया, पकड़ा नहीं। हमने 3-4 दाएँ डीजल भरा, मार 10 मांग मांग के बउआ जोर जोर के, हम दूसरे से कर्जा काढ़ो रहा काढ़ काढ़ दी नहीं नंदोई से, फिर वही के मांग मांग पटा हुआ बउआ हमने। कितना पैसा दे चुकी है आप? पुलिस वाले का नहीं दी ना, डीजल तेल का दी ना बाबू।
गाड़ी पता नहीं कहाँ से लाल गाड़ी लाए रहे करके गाड़ी लाए रहे। हाँ पुलिस हमारे लड़का के साथ गिरा है। बताओ बाबू।